This is half the money. The rest you'll get in Mumbai, okay? Okay. मैं हूँ भाई, मैं करवा दूंगा तेरा काम। जी जी, कोई भी दिक्कत हो मुझे फोन करना, मैं देख लूंगा। ठीक है जी, ठीक। हेलो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो अंदर? मिनिस्टर से मिलना है। ये जो इतने लोग खड़े हैं, तुम्हें क्या लगता है बारात में आए? अरे सर, आप, मैंने तो पहचाना ही नहीं आपको। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते सर। आओ आओ पंकज, बोलो कैसे आना हुआ? बस कुछ खास काम आ गया था, इससे मिलिए। यह है संजय, मेरे बचपन का दोस्त। बोलिए क्या बात है, बताओ ना। सर आप तो जानते ही हैं, वाइजेक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। ये रहा एयरपोर्ट का एरिया और यहाँ पर 700 एकड़ की जमीन मेरी है। अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो मेरी जमीन कौड़ियों के दाम बिक जाएगी। हाँ, अगर ये एयरपोर्ट बस्ती की तरफ बन जाए तो हमारी जमीन की कीमत 20 गुना बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, मैंने जैक लगाया और कोशिश है कि एयरपोर्ट बस्ती की तरफ ही बने। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इन बस्ती वालों को निकाल कर यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। तुम्हें लगता है ये बच्चों का खेल है? बहुत ही मुश्किल काम है। बदले में आपको 200 करोड़ दूंगा। वैसे माल तो काफी मोटा है, लेकिन इस मामले को केवल एक ही आदमी सुलझा सकता है। हमने इन्हें मुंबई की शिप में ड्रग्स लोड करते हुए पकड़ा है। बार बार पूछने पर भी ये अपने बायर और सप्लायर का नाम नहीं बता रहे। तू जानता है तुझे जिंदा क्यों छोड़ा? आई नो, आई एम सॉरी। They were found out about the drugs and killed two of our guys. We can't continue like this. Hello, this is Kevin here. I can't sell the product as long as Deva's involved. You have to find a way. You don't worry. Conference ke silsile mein minister saab Spain aa rahe hain. Hum unse baat karenge. Okay? Okay. Thanks, Mona. You're welcome. ताड़ने से कोई फायदा नहीं, लंगूर को कभी अंगूर नहीं मिल सकता। घर में नहीं, बाहर मुंह मार। ये तो वक्त ही बताएगा कि लंगूर को अंगूर मिलेगा या नहीं, और अगर मिल गया तो बधाई देना मत भूलना। उम्मीद पे दुनिया कायम है ये सुना था, आज देख भी लिया। आपकी लिटिल प्रिंसेस आ गई। क्या बात है, मेरी प्रिंसेस का मूड खराब क्यों है? नंबर कम है क्या? पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, मुझे हमेशा फेल कर देते हैं। सही कहा, फेल करके वो तुमसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मोना, लुक एट हिम सीरियसली। क्या कह रही हो? नहीं 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 नहीं, क्या बोल दिया तुमने? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? सेमेस्टर था बेटा, फाइनल एग्जाम में और तैयारी करना, ठीक है? फाइनल एग्जाम तो मैं पास कर लूंगी, पर मेरे आज के फेल होने से आपको बुरा नहीं लगा? जरा भी नहीं। Thank God, मैं तो बेवजह ही डर रही थी। इन्हें अब इसकी आदत पड़ चुकी है। समझ गया सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम आज रात मूवी देखने वाले हैं, रेडी रहना। मुझे काम है, मैं नहीं जा सकता। मोना भी आ रही है। हाँ तो मैं भी चल रहा हूँ ना। और तुम्हारा काम? कल का काम परसों। आज करे सो कल, कल करे सो परसों। कैसे हो मिस्टर साहब? छोटी सी हेल्प चाहिए थी। नए एयरपोर्ट के पास इनकी जमीन है, पूरे 700 एकड़, उस जमीन को बचाना है। ओके। मैं नहीं चाहता कि उस पर गवर्नमेंट का कब्जा हो। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उन बस्ती वालों को वहां से हटा दो। ठीक है। हेलो देवा, मंत्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं। किस लिए? वाइजेक में जो नया एयरपोर्ट बनने वाला है उसके बारे में। ठीक है, अगले हफ्ते का टाइम दे दे।
मीटिंग अगले हफ्ते होगी स्पेन में। हाय देवा। हाय मियर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दिस इज फॉर यू। अ यूनियन मिनिस्टर केम फ्रॉम इंडिया। ओके। एंड ही वांट्स टू मीट यू। श्योर। कॉल हिम। जस्ट अ मिनट। सो वी नीड टू स्ट्राइक अ पॉजिटिव डील। राइट। ओके। हाय देवा। एक्सक्यूज मी। द यूनियन मिनिस्टर। ओह थैंक यू। हेलो देवा। आई एम शिवराज मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड ही इज रमेश माय पीए। हेलो। ओके नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। हमें अपने प्रोडक्ट के 4 कार्टून नहीं मिले और मैं जानता हूँ इसके पीछे किसका हाथ है। अच्छा होगा कि तुम मुझे वो लौटा दो, नहीं तो तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं नहीं जानता कि तुम पहले कैसे डील करते थे, लेकिन अगर तुम यहाँ के किसी भी पोर्ट पर अपना माल अनलोड करना चाहते हो तो हमारा माल वापस कर दो, वरना हम अपनी औकात पे आ गए तो तुम्हें वहाँ पहुँचाने में देर नहीं लगेगी जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। ये पंगा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। देखना इसकी अकड़ कैसे ढीली होती है, नाक रगड़ता आएगा। ऐसों को अच्छे से जानता हूं मैं। अगर वक्त रहते हमने इस केचवे को नहीं रोका तो ये सांप बनकर हमें डसेगा। उसकी धमकियों से मैं नहीं डरता, पर उसने मुझे अपना पिता कल याद दिला दिया। चलिए 10 का 40 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 10 का 40। कितने का दे रहे हो? 10 का 40। भाई 20 में दो ना। इंटरवल के बाद की पिक्चर दिखाऊं तेरे को? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, आगे पिक्चर देखता है क्या? मेरा भी यही धंधा था। चल निकल। ए 10 का 40। पिक्चर अच्छी है या बुरी ये पहले ही शो में पता चल जाता था, पर तब पिक्चरों की किस्मत ऑनलाइन रेटिंग नहीं ब्लैक टिकट का रेट लिखते थे। 10 का 40 10 का 40 आजा भाई, 10 का 40 10 का 40 10 का 40 10 का 40 ले लो ले लो। तेरा भाई 40 रुपए, थोड़ा कम करना यार। अबे तू क्या मेरे मौसी के घर से आया है कि तुझे डिस्काउंट दूं? चल निकल यहां से। 30 ले ले। अबे निकल यहां से, बोला ना। फिल्म देखने आया भैया? कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। 10 का 40 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 10 का 40
देखा देखा देवा, लगता है उसने मुझे देख लिया। तू निकल, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मिलते हैं। यार फिर से टिकट ब्लैक कर रहा है। अरे समाज सेवा कर रहा हूँ साहब। ओ अच्छा। हाँ ये सभी लोग धूप में खड़े होकर टिकट ले रहे हैं, इनको पानी पिला रहा हूँ। तूने जहाँ से ट्रेनिंग लिया ना वहाँ का मैं प्रिंसिपल हूँ। अपन तो पिक्चर देखकर बड़ा हुआ है, स्कूल भूल नहीं गया। तूने एक काम कर, 10 का 50 कर और एक्स्ट्रा 10 मुझे भिजवा दे। वाह शाने, सब कुछ तेरे को दे और हम लोग भीख मांगे। हरीश दस का पचास। अरे जल्दी निकालो, पिक्चर शुरू होने वाली है। हाँ ठीक है। सुबह से लेकर दोपहर तक थिएटर ही हमारा ठिकाना था, और दोपहर के बाद घर। जिंदगी में अगर प्यार ना हो तो जिंदगी बड़ी अधूरी सी लगती है, इसीलिए हर किसी को अपने हम सफर की तलाश रहती है। उसकी एक झलक पाने के लिए दिल बेकरार रहता है, और उसे देखते हैं ये दिल कहता है बस ये पल यहीं रुक जाए। क्या अबे टिकट ब्लैक करने का छोड़ के हीरो बनने का रहता है क्या? अबे धीरे बोल, लड़की सुन लेगी। रात से किधर गायब था रे तू? अरे वो अपना रवि है ना, उसको हॉस्पिटल में जमा कराने गया था। रवि के साथ उसको क्या हो गया? अरे प्रेम का रोग होगा तो हॉस्पिटल तो जाएगा ही। लड़की ने धोखा दे दिया क्या? लड़की ने धोखा नहीं दिया, उसके पति को पता चल गया। कहानी में ट्विस्ट। कल का टोटल कलेक्शन कितना हुआ रे? खर्चा निकाल कर 1500 बचे। तेरे जुए का भी खर्चा निकाल दे। ओ अब ये कहाँ गया? उसकी माशुका निकली है कॉलेज के लिए, उसी के पीछे गया होगा। अरे देवा भाई नमस्ते। काका तो इसी बात पे 3 कड़क चाय बनाओ। इसको नहीं दूंगा, इसका 4 महीने का पैसा भी बाकी है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो काका, मैं दे दूंगा। तो ये है वो छोकरी जिसके लिए पसीना बह रहा था। भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? ये क्या मालूम, जब उठा था तभी 7:30 थे, फिलहाल सेटिंग का टाइम लग रहा है। हाँ मैं कर लूंगी। अरे हाँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। तो
तूने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे नोट्स दे दे। पैसे बचे। बस आ। ये बॉस रोज इसी टाइम पे इधर आती है? इसी टाइम पे आती है, पर ये बात तू क्यों पूछ रहा है? देखो वो चटनी मांग रहे हैं। अड्डा बदल दे क्या? ये क्या कर रहा है? बस से तो आज तक कहीं गया नहीं, कहीं मेरी वाली के पीछे तो नहीं पड़ा है? उससे पूछता हूँ। एक बात बता देवा, मैं अपनी कमला का गमला बनने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, पर तू मेरा बॉडीगार्ड बन के क्यों खड़ा है? अबे मैं अपने वाली का बॉडीगार्ड बनने आया हूँ। ओ वो देख स्कूटर पे। हाय, प्रोजेक्ट हुआ तेरा? मेरा तो हो गया। ये देख क्या बात है, आज तू बहुत चमक रही है। इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से इंतजार कर रही थी। फिर से अलार्म नहीं बजा यार। अरे क्या हंस रही है? मैंने कहा था ना तुझसे, पर तू मेरी एक नहीं सुनती। ए रोक रोक रोक, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल क्यों बनवाया? आज इसे देखकर पता चला कुछ लड़कियां सच में ताजमहल के लायक होती हैं। हाँ सिंपल। आज तक अपन को ये मिली क्यों नहीं? तू इस लड़की को हफ्ते भर पहले देखा, तुझे प्यार हो गया। मैं इस लड़की के पीछे 15 साल से पड़ा हूँ, सोच मेरा क्या हाल है। दिल को छू लिया इसने, आज से ये तेरी भाभी। आगे पैसा निकाल के रखो सब। अरे कितना गिरा हुआ इंसान है। अरे टिकट तो लिया ना। मतलब इसके दिल में कुछ है। अबे यार आज भी पानी खत्म, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में जी रहा हूँ। अबे तो कल ना ले, आज पानी गंदा मत कर और जल्दी चल, नहीं पिक्चर लगी है, टाइम खोटी मत कर। बिना नहाए जाऊंगा तो बास के बारे पब्लिक भाग जाएगी। ना के भी तू बास ही मारता है, कपड़े पहनो जल्दी। ए चल रे, चल सूरी, आज जल्दी आना। अबे 100 रुपए के चक्कर में बुढ़ा लेट करा दिया। समझ गया, मतलब उसने तुझे भी बेवकूफ बना दिया। नहीं, मैंने उसको बेवकूफ बनाया, 100 रुपए लेकर आया हूँ। आज दारू तेरी तरफ से। अच्छा अच्छा चल जल्दी। और देसी नहीं, इंग्लिश चाहिए। वो देखा, भाभी अपना पूरा गैंग लेके आ गई है। क्या चुहा मीटिंग चल रही है तुम लोग की? भाभी आई है रे। तेरी भाभी? जिसने तेरी नींदें उड़ा रखी है। बहुत देर से देख रहा हूँ, शायद तेरी तलाश कर रही है। देख रहा है। अरे तो जाके बात करना। अरे ये खाक बात करेगा? बात करने के लिए मेरी तरह गुर्दा चाहिए। हाँ? जिगर में दम चाहिए। अच्छा अभी दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना शांति आज नहीं आएगी। हाँ, आज भी रोहित के साथ घूमने गई होगी। नमस्ते जी। हाँ, मुझे तो लगता है उन दोनों ने मूवी देख भी ली होगी। क्या है, कौन हो तुम? वो बस स्टॉप। हाँ मुझे पता है, तुम मुझे बस स्टॉप पे रोज देखते हो। तो क्या उस दिन बस में तुम्हें देख के मुस्कुरा दिया तो तुम पीछे ही पड़ गए? मैं भी यही कह रहा था, लेकिन ये गधे समझते नहीं है, अलग ही खिचड़ी पका रहे। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इन्हें और बेवकूफ बनाते हैं। मतलब? समझाता हूँ, बस ऐसे ही बातें करती रहो। पागल हो गए हो क्या तुम? खुद को समझते क्या हो? और मैं तुमसे बात क्यों करूं? लगता है भाई की बैंड बज गई, भाभी का मूड ऑफ लग रहा है। अबे मोटे, उसने तो पटा लिया, तेरा गुर्दा फेल हो गया। थैंक यू। ये किस लिए? मुझसे इतनी देर बात करने के लिए, ताने मारने के लिए। अब दोस्ती हो गई है तो नंबर मिल सकता है? ए हेलो, तुम फ्रेंड्स को बेवकूफ बनाने आए हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? कैसी बातें कर रही हो, असली नंबर मत दो, कुछ भी लिख के दे दो।
कम से कम इज्जत रह जाएगी मेरी। हा? तुम्हें लगता है कि वो गधे हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा? हाँ वो तो इनकी शक्ल पर लिखा है। कैसे हो गया? अब चुपचाप यहाँ से 9:45 हो जाओ। सलाम मैडम। छोड़ो चले दो। भाभी पट गई। इस पर्ची में फोन नंबर है, इस पर नजर मत लगाना। कुछ सीख इससे, एक हफ्ते में पटा लिया। और तू है कि अबे जो फटाफट बन जाए उसे झोपड़ी कहते हैं। ताजमहल बनने में सालों लगते हैं। अबे जल कुकड़े, जो भी हो बाजी तुम्हारी ना, अब काम पे लगो, सारे टिकट बेच दो। अरे इससे लड़की क्या पड़ गई, दोस्तों को हुल दे रहा है। हेलो, आप कौन? वो टिकट थिएटर, सॉरी रॉन्ग नंबर। पता था तुम मुझे अपना रॉन्ग नहीं राइट नंबर दोगी। पता चल गया ना, अब रखो। हाँ पता चल गया, रॉन्ग नंबर तो मिल गया, अब बस नंबर वाली चाहिए। ये क्या लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बस वो कह रहा हूँ जो मेरे दिल में था। अरे फोन छोड़ के दूध पी। पी रही हूँ ना, मार क्यों रही हो? वैसे अपना नाम देवा है। ओहो, थिएटर के बाहर जो टिकट ब्लैक में बेचता है उसका इतना अच्छा नाम कैसे? अपना नाम तो बताओ। अपना नाम इतनी आसानी से तो नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। ओ, खेल रही हो? सुनो, अगर मैंने तुम्हें गलत नंबर दे दिया होता तो? बस का नंबर थोड़ी रॉन्ग होता, बस स्टॉप में या बस में बात कर लेता। अगर ये फोन पापा उठा लेते तो? तो उनसे रिक्वेस्ट करता कि रोज सुबह अपनी बेटी को जल्दी बस स्टॉप छोड़ दिया करो, इंतजार नहीं होता। ओ अच्छा, तो खुद ही बात कर लो। पापा फोन। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? वो अब आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? नहीं, हमारे टूथपेस्ट में कोई नमक नहीं है। पर ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे नहीं है, कंपनी का नमक खाओगे तो नमक हलाली करनी पड़ेगी ना। चलो रखो फोन। अरे कौन था ये गधा? चल मैं निकलता हूँ। आप ना ख्याल रखना। बोल क्या हुआ? आज फिर से रेगिस्तान में सूखा पड़ा हुआ है, पानी आज भी नहीं आया। ये पानी का काल क्यों पड़ रहा है? कॉर्पोरेटर के यहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, सारे टैंकर उसी के यहाँ गए हैं। अमीर और गरीब इंसान में यही फर्क होता है, वहाँ पर देख। अपनी प्यास पे किसी और का कब्जा होने नहीं दूंगा मैं। चलो रे। तुझे हमारी मदद के लिए भगवान ने भेजा है बेटा, वरना हम तो पानी के लिए तरस जाते। बस काकी, तुम आशीर्वाद देती हो। काकी सारा आशीर्वाद देवा को और मुझे कुछ भी नहीं। मेरी उम्र लग जाए बेटा। जा जाओ पानी भर लो, लाइन से लेना। कमाल कर दिया भाई। भर गया। अरे भर गया तो मुझे देना। हो गया ना? चलो चलो। बस्ती वालों की प्यास बुझाने के लिए हम टैंकर तो ले आए, लेकिन उसके पीछे पीछे कॉर्पोरेटर के आदमी हमारे खून की प्यासे हो गए। क्या है बे, इधर क्या लेने आया? क्या रे, टैंकर तेरे बाप का था जो कॉर्पोरेटर के यहाँ से उठा के ले आया? नहीं रे, तेरी माँ के दहेज में आया था इसलिए ले आया, और कल फिर लाएंगे। हाँ ए, खाली होकर झगड़ा मत कर। ए, तेरा टैंकर पीछे खड़ा है, जा लेके जा उसे। वो तो हम ले लेंगे, लेकिन इसने हमसे टकराने की जो जरूरत की है उसका हिसाब करने के बाद। अपन ने सुना था कि पूरी दुनिया पानी के लिए लड़ेगी, और आज देख भी लिया। Hey!
शहर की एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ पहाड़, और बीच में कुछ घटिया लोग जैसे कि एमएलए मुरली। शराब प्रतिबंध के बावजूद एमएलए मुरली शराब में नहा रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा इसने मेरी कलर फोटो छापी है। यह देख, इसे एक बात बता कि यह जो सच है ना, बहुत कीमती होता है, इसे इस तरह बर्बाद ना करें। रिपोर्टर के रूप में तुझे वाइजैक की फिक्र है तो मैं भी एमएलए हूँ, एमएलए मुझे फिक्र ना होगी। हैं, तू वाइजैक के हालात पर रिपोर्ट बनाता है, और जिसे तो गुंडा कहता है वो यहाँ की तकदीर बनाता है। अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया तो तेरे सारे इल्लीगल धंधे और तेरा साम्राज्य में सब खत्म कर दूंगा। अबे बात कर रहा ना वो, क्यों उंगल कर रहा है? चल ठीक है, मैं इसमें नहीं पड़ता, ये ले पकड़ा। ए, तो जिंदा रहेगा तभी तो कुछ करेगा, तेरे भाग में मरना लिखा है। सर, टैंकर की वजह से हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। इतिहास मत सुना, क्या करना है ये बता। सर सर सर, हम लोग दोस्त है, झगड़ा झगड़ा खेल रहे थे सर, जाने दो ना प्लीज। क्या रे, मेरे को येड़ा समझा क्या? उधर कबड्डी खेल रहा था। अरे एक ही लॉकअप में बंदे फिर भी लड़ने रहे तो दोस्ती हुए ना। अबे तुझे जेल के अंदर घर बसाना है, बोलना तू भी। हेलो, कौन? तेरे सामने हड्डी इसलिए फेंकता हूँ ताकि तू मेरे लोगों को काटे ना। जिन लोगों को तूने अरेस्ट किया है वो कारपोरेटर के आदमी है, छोड़ दे उन्हें। ठीक है सर, छोड़ता हूँ। तुम में से मुरली भाई का आदमी कौन कौन है? मैं माँ कसम मैं ही हूँ सर। सर ये झूठ बोल रहा है, मैं हूँ। सुन, जाने दे उन लोग का। ओके सर। छूट गए। अरे अरे ये हमारे साथ है सर। सर मेरी बूढ़ी बहन और रिद्वा माँ अकेली है, उन्हें पता नहीं है मैं यहाँ हूँ। मैं घर जाके बता दूंगा, तू अंदर जा। ए, बंद कर इसे। ए, चल। अरे नहीं, मेरी बूढ़ी बहन से हाय लगेगी तुझे। घर पे जाना है। इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलना। छोड़ दो ना लोग को। नहीं खोलूंगा। तो एक कागज और कलम दो। वो क्यों? प्रेसिडेंट से माफी मांगने का मेरे को। अरे यार तुम लोग फांसी पर नहीं चढ़ने वाले हो? ओ तो जज से मुलाकात नहीं होगी? अच्छा तेरे लिए वो जज फालतू बैठा है, एक तो वैसे ही उस पे दुनिया भर का लोड रहता है, तुम्हारा लोड लेगा तो कब्र में दफन हो जाएगा। तो फिर आप क्यों हमारा लोड ले रहे हो सर, हमें छोड़ दो ना प्लीज। सर ये लोग दिमाग का दही कर रहे हैं, इससे पहले कि दही वड़ा बन जाए भगा दीजिए। एक काम कर, तू इन पांचों से दही वड़ा के खर्चे निकलवा ले फिर भगा दे, फोकट में भेजेगा ना तो आदत पड़ जाएगी। जेब में कितना पैसा है? 100 रुपया। तेरी जेब में? 100 रुपया। ठीक है, सब 100-100 रुपए निकालो और दफा हो जाओ। वो तो इसको उधार दे दिया। हा? वो 100 रुपए मैंने इसको दिया और मैंने इसकी बूढ़ी बहन को दे दिया। तुम चारों को पैसा देना है तो दो, नहीं तो इधर ही सड़ो। गलत लाइन में आ गए भाई, सट्टा बाजार में होना चाहिए था। टाइम खोटी मत कर, अब ठीक है, कल सुबह छोड़ दूंगा। ज्यादा शार पत्नी की ना तो 5-10 साल इधर ही सड़ते रहोगे। फोकटे मुंह बंद करो। खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बारा ना। ओए तेरी बीवी भाग गई है क्या? तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम हंस के तो दिखा। चौथी शादी के चक्कर में मुझे जेल में डाल दिया। ओ तेरी, हम चार लोग एक शादी के लिए तरस रहे, तू चार चार करके बैठा है। कल ससुराल जाने वाला था और ये लोग मुझे हवालात ले आए। अबे भूतनी के हवालात को भी तो ससुराल बोलते। हाँ। बस तेरी बीवी यानी पड़ोस में। हाँ? मेरी तरफ क्यों देख रहा है, मैं तो भगा के ले जाता। अबे ढीले नाड़े। नहीं नहीं नहीं, मेरी वाली तो है घर पे, मैं नहीं भगा रहा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मेरी वाली जैसी है, धोखा देगा उसको। चलो अच्छा हुआ सस्ते में छूट गए। यार आज पीने का बहुत मूड हो रहा है, ये ले सूरी, खंबा लेकर आना। ठीक है। ए देवा, तूने दारू के लिए सूरी को पैसे क्यों दिए? अब देखना वह सारे पैसे जुए में उड़ा देगा। दारू के मामले में बहुत पक्का है,
वो सब मुझे नहीं मालूम, बस मुझे दारू कम नहीं पड़नी चाहिए। चले बस कर, सामने देख, अपने दिलों की रानी अपने को ढूंढ रही है। क्या हुआ पुलिस स्टेशन में, तुम्हारी ठीक से खातिरदारी हुई या नहीं? जम के हुई। बता बे क्या क्या खाने को मिला? लात घुसा सब बता दूं? वो तो तू है ना, ये इसमें एक्सपर्ट है। मुझे अच्छी तरह पता है पुलिस वाले ने जम की धुलाई की होगी। मैडम कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने को हाथ लगाए, तुम लगाना चाहो तो लगा सकती हो। इसका बोरिंग लेक्चर सुनने से अच्छा है कि हम कॉलेज जाके लेक्चर अटेंड कर ले। चल कमला, कमला मुझे देखकर मन में लड्डू फूटा। तुम्हें फिर से देखकर टेंशन हो रही है। इसको बोलते भिगो कर सैंडल मारने का, दिल भर गया। चल दारू पिलाता हूँ। पता भाई अबे कितनी देर लगा दी दारू लेने, बैंकॉक गया था क्या? अरे वो पुलिस वाला पीछे पड़ गया था। क्या बे तेरे को खम्बा लाने को बोला था, तू अधा लेकर आ गया? जो मिल रहा है पी ले, बाद में ये भी नहीं मिलेगा। पानी की तरह इसकी भी कटौती हो रही है क्या? यहाँ अब दारू बैन हो गई है। मतलब? मतलब अपना स्टेट अब ड्राई स्टेट हो गया है। तो तेरा मतलब दारू के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा? यहाँ भी खरीद सकते हैं लेकिन ब्लैक में लेना पड़ेगा। ये कुछ कुछ टिकट ब्लैक जैसा ही है, मतलब दूसरे स्टेट से सस्ते में खरीदो और यहाँ महंगे में बेच दो। धंधा तो फायदे का लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई, रोज पियो रोज बेचो। और पियेंगे नहीं, सबको पिलाएंगे। खाली बोतलें हैं कांच की। ये खाली बोतलों का करता क्या तू? वो मेरा बाप वो मिस्त्री है ना, तो चोरों से बचने के लिए वो घर के बाउंड्री वॉल में कांच लगाने का काम करता है। पर यहाँ तो दारू बंद है इसलिए कांच की बोतलें भी नहीं मिलती, तो दूसरे स्टेट से कांच की बोतल लेकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अभी अभी अलीबाग से आया हूँ, कोई लोचेला बाटे वाला काम हुआ ना तो धर लूंगा। चलो अभी निकले यहाँ से। हाँ ठीक है साहब। रुक जा, ये डब्बे में क्या है? दूध का कैन है साहब, दूध के कैन में दूध ही होएगा और क्या होएगा। अच्छा जगदीश चेक कर अंदर क्या है। ठीक है सर। पानी वाला दूध है सर। चल 2 लीटर वहां छोड़ और निकल जाए सर। चल ठीक है सर। हाँ क्या उल्लू बनाया मैंने उसे। अरे देवा आ गया, आ गया। ध्यान से भाई, ध्यान से, आराम से निकाल निकाल। ये लाला इधर रख, ले इधर रख, इधर रख, आराम से। क्या बात है देवा, ला इधर दे। अरे देना, खोल खोल इसका ढक्कन खोल। हाँ ये ले, इस पर लेमन बॉटल दे। हाँ ये ले, ए इधर है, इधर डर 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 डर। लो भाई सूरी कॉपी दे, ये ले शगास। हाँ इधर दे, इधर दे, आराम से रख दे। वैसे आज माहौल काफी ठंडा है, गर्मी का जुगाड़ हो जाता तो कहाँ से मिलेगी किस्मत ही ठंड है। अगर चाहे तो मिल सकती है। तू दिला सकता है? हाँ पौवा भी? हाँ वो भी मिलेगा। माल कितना है? कम से कम 2 पेटी ले आज सारा का सारा। हाँ। ये ले। अरे दारू बेचना छोड़ के तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पुलिस की रेट पड़ गई क्या? अरे वो तो कब का खत्म हो गया। खुद पी गया क्या? माल कहाँ से आता अगर मैं पीता तो। ये लो 10,000। 2,000 डाल के 10,000 कमाया, इसको बोलते मुनाफा। टिकट ब्लैक करते तो इतना कमाने में महीनों लग जाते। अबे तरक्की करने के लिए तो धंधा बदला है, अब से दूध का धंधा ही अपना मेन धंधा है। एक नंबर आइडिया है देवा। अरे दारू तो सिर्फ जवान और बूढ़े पीते, दूध तो सारी दुनिया पीती है। अच्छा हाँ। देख उधर के। नहीं नहीं गलती होगी। नहीं नहीं देख तो। अरे देख दूध बेच, दूध बेचेगा। नहीं मलाई बेच, रबड़ी बेच, आलू तो बना। धंधे में बहुत लोगों ने हमारी मदद की और हम तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे। धीरे धीरे हमारी तकदीर आसमान छू रही थी। निकलो चलो जाने दे, मलाई भिजवाता हूँ। ए रुक रुक, क्या है इसके अंदर? कांच की खाली बोतल है साहब। बोल के बता। वो क्या है ना, मेरे पापा मिस्त्री का काम करते हैं। जाने दो, बहुत पकाएगा, चल निकल। ठीक है सर, कल फिर मिलते हैं। जा जा जा। हम नहीं जानते थे कौन सही है या कौन गलत। जब सीएम की कुर्सी खाली थी तो उसे झपटने के लिए मंत्रियों का तमाशा चल रहा था, इसलिए हमारे धंधे पे किसी का भी ध्यान नहीं था और हमारा मुनाफा बढ़ता जा रहा था। एक देसी देना। ये ले तेरा।
अगली तरफ। थैंक यू बाय। इनकी ठाट बाट से लग रहा है कि बैंक में डकैती डाल के आ रहे हैं। हेलो, मेरी रॉन्ग नंबर, कैसी हो? कॉल करने का कोई टाइम टेबल है या नहीं? तो फोन करने का कोई अच्छा मुहूर्त बता दो। फोन क्यों किया तुमने? कह कि तुम्हारी याद बिल्कुल नहीं आ रही थी, सोचा इससे पहले कि पूरी तरह भूल जाऊं फोन ही कर लेता हूं। अच्छा किया ना। चलो अब सच बताओ, तुमने इस वक्त मुझे फोन क्यों किया? मिलने का दिल कर रहा था। मुझसे मिलना है? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। मेरे को मालूम था, इसलिए मैं खुद ही आ गया। हाँ? तुम ऐसे मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तो क्या करूँ, घर के अंदर आ जाऊँ? दरवाजा खोल दो, सीधा अंदर आ जाऊंगा। क्या हुआ? नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, मेरे पास बहुत काम है। धंधा तो अपन भी छोड़ के आया है, तो दोनों का काम फिट। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ए हेलो हेलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? ये क्या है? धंधे में तरक्की हो रही है और तरक्की के पीछे औरत का ही हाथ होता है, इसलिए गिफ्ट देके लंच पे ले जाना चाहता हूँ। ये टेप रिकॉर्डर तो ठीक है, लेकिन लंच पर सोच के बताती हूँ। अच्छा मैडम, नाम तो बता दीजिए। अगर फिर से कभी नहीं मिलोगे तो नाम बताऊंगी। नहीं नहीं, मैं अच्छा से सोच के खुद रख लूंगा। संभल के जाना, पुल में बीच में खड्डा है, अंधेरा भी होने वाला है। ये पैसे बॉस को देने, समझा? सुबह तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। ए भाई, अद्धा देना। 300 निकाल। क्या बोला 300? अभी कल ही तो 200 का लिया। सपने देख रहा है, बिना पीए चढ़ गई। अरे सपने में नहीं, हकीकत में, मंडी के पास। क्या बोला, मंडी के पास? कौन बेच रहा था? अरे अपू नाम खाता है यार, गुठली नहीं गिनता। उनके अड्डे पे लेके चल, एक बॉटल फ्री। फ्री? ओके डन, चलेगा। पर अपन को एक नहीं, दो दो चाहिए। चलो आ जाओ। चल भाई, आप उनके इलाके में कोई दारू बेच रहा है और उसका रेट भी अपन से कम है। मरने का शौक किसको पैदा हो गया जो हमारे इलाके में दारू बेच रहा है? उसे पता होगा हमारा माल किस भाव में आता और किस भाव में बिकता, तभी सस्ते में बेच रहा है। लेकिन उसे हमारे बारे में नहीं पता। इसी वक्त उसके पास जाओ, थोड़ा खर्चा पानी दे के उसे उसकी औकात बताओ। रुक रुक, शिवा फिल्म में विलन ने डायलॉग बोला है, तू बैठे रह। वार्निंग इतनी भयानक होनी चाहिए कि कंपटीशन करने की सोच से भी उसकी रूह कांपे। अब जा। ठीक है भाई। हाँ, चल भाई। यामा क्या देख रही हो? मैं भी ऐसी जगह पे पहली बार आया हूँ, फिर भी तुम पे ध्यान दे रहा हूँ ना। ऑर्डर सर। खाने में खास क्या? सर देख लीजिए इसमें से आइटम। ये भाव देखने के लिए, अपने को पैसे का टेंशन नहीं है। राजमा चावल खाओगी? राजमा चावल है जी सर। दो प्लेट लेकर आ, और कोल्ड ड्रिंक भी, एकदम ठंडा। ठीक है सर। वैसे काम वाम करते हो या नहीं? बहुत बड़ा काम करता हूँ। अपना स्टेट तो ड्राई स्टेट हो गया, तो दूसरे स्टेट से सस्ते में दारू खरीद के या महंगे में बेचता हूँ। समझ नहीं आ रहा तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तुम चाहते तो मुझसे झूठ भी बोल सकते थे। ईमानदारी से गलत काम करता हूँ, फिर ये तो प्यार है। मैंने कब कहा मुझे प्यार है तुमसे? मतलब होने का चांस है। पता नहीं सब लोग हमें घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। ये तो अच्छा है यहाँ पर कोई जान पहचान वाला नहीं दिख रहा। दुनिया वालों की सोचते रहेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम? अगर तुम साथ दोगी तो कहीं भी जा सकता हूँ। मैं क्यों साथ दूँ तुम्हारा? बोलने से पहले सोचती हो, बस भक से बोल देती हो। क्या बोल रहे हो? देखो दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी जमता है तो बोलो। इतने बड़े होटल में कच्चे राजमा खिला रहे हैं। भाई यही वो दुकान है। ए, जा लेके उसे। अरे अरे अरे
एरिया में दारू बेचता है। एक सामान मत छोड़ना। ए, बस कर चल। दूसरी बार बेचा तो काट डालेंगे। ऐसा धोया कि नानी याद आ गई उनको। वो तो अच्छा हुआ, बहुत ही सस्ते में छूट गए वो लोग, वरना भाई होते तो काट ही डालते। आज के बाद दारू तो दूर, सोडा भी नहीं बेच पाएंगे वो लोग। आए बड़े हमसे पंगा लेने, यहाँ भैया जी की चलती है। भैया जी की, भैया जी से टकराने वाला मिट्टी में मिल जाता है, वहीं का नहीं रहता, उसका खेल खत्म हो जाता है। बोल रहा मुन्ना, यही लोग तेरे को हाथ लगा? यही था देवा। गलती की सजा तो दूंगा ही, पर पहले बोल जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ए, तेरे को मालूम है कौन है हम लोग? तुम लोग की औकात तो बाद में बताऊंगा, पहले जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। कौन है बेटू जो हमारे एरिया में आके फुदक रहा है? बाकी पैसा निकालता या निकालूं? मालूम है तेरे को कहीं को छोड़ा ताकि तू अपने बाप को बोल सके देव आया था। चलो रे। देख कल सूर्य और मिनिस्टर आने वाले, गाड़ी टाइम से भिजवा देना। ठीक है देवा। सर प्लीज मदद कीजिए, इन्हें अभी भी हार्ट अटैक आया है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना। देखो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। डोंट वरी, आराम से। आप भी इंडिया से हैं क्या? हाँ। इमरजेंसी थी, सॉरी आपको परेशान किया। कौन थे वो, आप उनको जानती हैं? जानती तो नहीं, पर मैं बस का इंतजार कर रही थी तभी उनको हार्ट अटैक आ गया तो इसलिए। अच्छा, कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। आई एम श्योर, थैंक्स, नाइस टू मीट यू, यू टू, सी यू लेटर, बाय। देवा इंडिया से सूरी मिनिस्टर को लेकर आया। हेलो देवा, कैसे हो? ठीक हूँ। दीक्षा कैसी है? ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वाइजैक में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इनकी वहाँ पर 700 एकड़ की जमीन है। डैड कहाँ है? इंडिया से कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं, वो ऊपर उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूल जाओ। अगर तुम कबाब में हड्डी नहीं बनती तो हमारी अब तक शादी हो जाती। पर तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? डैड आज हॉस्पिटल। सूर्या अंकल आप कब आए? मैं आज ही सुबह आया बेटा। क्या आप भी हमारे साथ रात को मूवी देखने चलोगे? सॉरी बेटा, मुझे रात को ही निकलना है, हमें हॉस्पिटल जाना है। याद है बेटा, बाय बाय बेटा। कितना मुंह खोल रहे तू? 200 करोड़। पैसों की लालच में इतना अंधा हो गया कि अपने ही लोगों को धोखा देने को तैयार हो गया, शर्म नहीं आती तुझे? मैं उन्हें धोखा कहाँ दे रहा हूँ, गवर्नमेंट जगह देगी ना उन्हें? जगह लेने के लिए पेपर्स की जरूरत लगती है, और वहाँ वो पेपर्स के नहीं मेरे भरोसे रहता है। जब तक मेरा हाथ उनके सर पे है, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लोगों ने वोट देकर तुम्हें अपना नेता बनाया, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए, ना कि अपने मतलब के लिए उन्हें बढ़ाने के लिए। अगर तू इसकी तरफदारी करेगा तो मैं उनकी तरफदारी करूंगा। अगर तुमने मेरा काम करवा दिया तो मैं तुम्हें 600 करोड़ दूंगा। और क्या बोलता सूरी, जुआ खेलना छोड़ दिया या जुआ में अपना सब कुछ हार गया?
मैंने छोड़ दिया। तुम्हारी डिमांड क्या है वो बोलो। मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है देवा। अरे वो मगरमच्छ है, उससे पंगा मत लो। मगरमच्छ और कुत्ते में ज्यादा फर्क नहीं होता, उन्हें सिर्फ बोटी चाहिए। लेकिन देवा शेर है ये तुम्हें नहीं पता। अब चलो। हाँ डॉक्टर। हेलो देवा। शी इज नॉट कीपिंग वेल, सो कैन यू हैव अ लुक एट हर? ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। मैं भी साथ में जाता हूँ। हाय। हाय। आप यहाँ पर कैसे? अपनी बेटी का चेकअप कराने आया हूँ। ओके, डोंट वरी, मैं चेक करती हूँ। थैंक यू। देवा, मिनिस्टर का फोन आया था, उसने मुंबई में हमारे कंटेनर्स लोड करने से मना कर दिया। उसी का फोन है सर। बहुत साल जिएगा तू। मिनिस्टर साहब से तेरी बात कर रहा था मैं। माल का क्या हुआ? आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा माल तभी लोड होगा जब हमारा माल वापस कर दोगे। कार्तिक को मेरे पास भेजो। तब तुम ठीक हो? हाँ। स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ। फिक्र की कोई बात नहीं है, बस वायरल है, सिर्फ 2-3 दिन का आराम चाहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू। चलते हैं। बच्चे आजकल जंक खाते रहते हैं, इसलिए तबीयत खराब हो जाती है। ये मैडम कौन है? गजनीकांत बन गई हो क्या? लगता है दवा खाने से तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ गया है। अभी थोड़ी देर पहले मिली थी और इतनी जल्दी भूल गई। सोच रही थी अगर मोना की जगह एक नई मेड ले आऊं तो कैसा रहेगा। हाँ हाँ, याद आ गया। कल जब हम वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक आदमी को हार्ट अटैक आया था। अगर ये मैडम वहाँ नहीं होती तो उसकी जान चली जाती। शादी हो गई है क्या? तुम कहना क्या चाह रही हो? कोई दूसरी लड़की मिल जाए तो मैं मोना को छोड़ दूंगा? चांस ही नहीं है। मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे नहीं लगता वो शादीशुदा है। चलो बैठो। सी यू। बाय। बाय। सी यू डॉक्टर। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा माल वापस कर दूं, तो तुम्हारा माल वापस लौटा दिया मैंने, और ज्यादा दूर नहीं है, वही वॉशरूम में है। देवा, तुम हजारों किलोमीटर दूर हो फिर भी तुम्हारा डर महसूस कर सकता हूं। तुम्हारे पास पावर आई है, मैंने अपनी पावर खुद बनाई है, आइंदा उलझना मत। सॉरी, मुझे माफ कर दो देवा। Please get me out of this. Please. मेरे आदमी बाहर खड़े हैं। उन्हें अपना कार्ड दो, निकल जाओ। और उस लड़की को भी साथ ले जाओ। And by the way, happy birthday. ये लो। हेलो। हाय डॉक्टर। हाय। तबीयत कैसी है? अब ठीक है। अच्छी बात है। और फीवर कम हुआ? हाँ, हो गया। आप घर पर आने वाले थे ना? कब आओगे? अगली वीक पक्का आऊंगी। डैड, डॉक्टर का फोन है। दीक्षा, हेलो। हाय काजल, गाड़ी भेज रहा हूँ, लंच के लिए आ जाना। ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। हाय। हेलो। हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय। हाय। सॉरी, लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, बैठिए। हाँ, ये वीनू खाना रखने के बाद हमेशा पानी रखना भूल जाता है। बेटा, वीनू लेकर आ जाएगा, तुम बैठो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ डैड, अपना काम कर सकती हूँ।
अभी दो मिनट पहले तुमने क्या कहा उसका रिपीट टेलीकास्ट करो। मैंने कहा मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। हेलो वेनू, कहाँ हो तुम? क्या हो गया? इसी वक्त ऊपर आओ। हाँ आता हूँ। क्या हो गया? मुझे वो रिमोट दो। अरे सामने तो है। हाथ नहीं पहुँच रहा। क्या हुआ, रिमोट की बात सोच रहे हो? तुम मरवाओगी मुझे। अब देवा को लगेगा मेरा काम पे ध्यान नहीं है, वो काम से निकाल देगा मुझे, फिर मोना का क्या होगा? वो बुद्धू तुम जरा सा भी नहीं समझते। पानी मैंने ही हटाया। लेकिन क्यों? ऑफ कोर्स शेयर मार्केट ऊपर चल रही है। ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे? और क्या बात हो रही होगी? डॉक्टर मरीजों के बारे में बता रही होंगी, देवा बिजनेस के बारे में बता रहा होगा। अगर तुम्हें इसका टेस्ट पसंद ना हो तो मैं कुछ और ऑर्डर कर सकता हूं। कौन सी क्लास में हो तुम? 8th स्टैंडर्ड। देवा तो इसे डॉक्टर बनाना चाहता है पर ये तो एक्टर बनना चाहती है। बाय द वे कल हम घूमने जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो साथ आ सकती। हाय डॉक्टर। हाय, सी यू। ओके बाय। देवा कहाँ है? वो रहे डैड। यहाँ घूमने के लिए इतना कुछ है, एक चीज दिखाओ। वो देख रहे हो? दीक्षा तुम्हें देख रही है। जानती हो यहाँ की कॉफी शॉप स्पेन की नंबर वन कॉफी शॉप है। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। जीके में पढ़ा था। बहुत इंटेलिजेंट है ये। काजल के भाई ने वक्त से पहले ही जॉब से रिटायरमेंट ले लिया और पीएफ के पैसों से अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाई। अगर काजल ने शादी कर ली होती तो घर में कमाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए अभी तक शादी नहीं की। सूर्या अंकल। बोलो बेटा। वीनू आपको एक आदमी का डिटेल भेजेगा, प्लीज उसे हमारी कंपनी में एक अच्छी जॉब दिलवा दीजिए ना। तो मुझे उसकी डिटेल भेज दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं उसे फोन दे रहा हूँ। एक बार बोला तुझे समझ में नहीं आता है, एयरपोर्ट के मामले में होम मिनिस्टर भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। आखिरी बार तुझे कॉल कर रहा हूँ। दोबारा कॉल करना पड़ा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तुझे ऐसा लग रहा होगा कि हम बस तुझे धमकी दे रहे हैं ना? अब भी उसके बारे में सोच रहे हो? देवा की बात मानो, भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। 150 की बात नहीं है कि उसे छोड़ दूं। ये मामला कम से कम 1,500 करोड़ का है। पैसा क्या कबर में साथ लेकर जाओगे? देवा से पंगा लोगे तो हमें तुम्हारा मातम मनाना पड़ेगा। मेरी बात मानो, इस प्रोजेक्ट को कचरे के डब्बे में डाल दो। जीजा, बहना बोल रही है उसे गहना कब दिलाओगे? बोल दे 2 बजे तक मिल जाएगा। ओए जी, दोबारा फोन आए तो कह देना मैं नहीं हूँ, तेरा इंक्रीमेंट पक्का। पहले तनख्वाह तो दो। हेलो, बीवी के गांव का ना होता तो। देवा के एरिया में एक मुरली नाम का एमएलए हुआ करता था, क्या उसे जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन पिछले 15 सालों से मैंने उसे ना देखा है ना सुना है। कल रात उसका फोन आया था, उसने मुझसे यही कहा जो तुमने मुझसे कहा था। देवा चीज ही ऐसी है। लेकिन उसके कहने का नजरिया मुझे कुछ अलग लगा। उसने कहा देवा जब तक जिंदा है ये नामुमकिन है, लेकिन अगर वो मारा गया तो फिर। चश्मे हटा के सपने देखा करो। मैं खुली आंखों से सपने देखता हूं। किसे कॉल कर रहे हो? इस दुनिया में देवा के और भी दुश्मन हैं, उन्हीं में से एक को। हेलो, मेरे इलाके में कोई दारू बेच रहा है, समझ गया ना? हाँ, मुझे देवा, वो नया पुलिस इंस्पेक्टर यहीं आ रहा है। पुलिस, जल्दी कर, चले इधर आओ, जल्दी आओ, सामान उठाओ, ले जा, वहाँ पे रख, दिखना नहीं चाहिए कुछ भी, सब छुपा दे।
चप्पा-चप्पा मारो, चलो। कैसे ना हुआ साहब? बेटा हमें खबर मिली है कि तुम दारू बेचते हो। क्या मजा कर रहे साहब, अपना स्टेट तो ड्राई स्टेट है ना? हाँ। अगर तलाशी में माल मिल गया तब तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। गमछा मुझे दो। देवा ये तो पीछे पड़ गया। सब जगह ढूंढ लिया साहब पर कुछ नहीं मिला। ठीक है चलो चलते हैं। ओए, इस बार तो तू बच गया लेकिन वादा है मेरा बहुत जल्द तेरा हिसाब करूंगा। मेरे को भी इंतजार रहेगा और जिसकी बोटियां खाते उसको जाके बोल दो इधर कुछ नहीं मिला, तशरीफ ले जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख के दिमाग रहा है, लड़की के चक्कर में दोस्त को भूल गया। क्या है, भगवान के सामने अपने पापों की माफी मांगने आए हो? अच्छा, इतनी बड़ी पापी हो तुम? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हाँ, जैसे कि खुद तो पुण्य मालूम है ना कितना अच्छा काम करता हूँ। अभी इज्जत है बस्ती में, बस तुम ही समझती नहीं हो, घर की मुर्गी दाल बराबर। बस्ती में एक आवाज कर दो ना तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं मेरे लिए। अरे पापा। ये पापा देख लेंगे। मेरे को लगा था तुम्हारा पापा अपने को अलग करेगा पर ये तो पास लाने की वजह बन गया। अंकल जी, ये आपकी बेटी कह रही है कि तुम्हें पुण्य कमाने ना आओ, गलत काम नहीं करते, पापा को बता देते हैं ना सब कुछ। आ जाओ। तुम्हें बच्चे पसंद है? हाँ। रिश्तेदारों के, पड़ोसी के, सबके? हाँ, मुझे बच्चे पसंद है। तो अपने तो ज्यादा पसंद आएंगे ना। तुम कहना क्या चाहते हो? समझे नहीं। ठीक, पहेलियां मत बुझाओ। ठीक है, साफ साफ बोलता हूँ, शादी कर लो और क्या। तुम ना पूरे पागल हो। पागल तो हूँ मैं, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तुम्हें पता है वो लड़का क्या काम करता है? हाँ पापा, उसने मुझे सब सच बता दिया है। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाप होने के नाते मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जो भी इस तरह का काम करता है उसकी जिंदगी में कदम कदम पर खतरे होते हैं। बेटी, लाइफ में टेंशन होना कॉमन बात है लेकिन टेंशन के साथ जिया नहीं जा सकता। अब इन सब बातों का क्या फायदा, कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर देते हैं। तुम अब बड़ी हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। फैसला गलत ना हो इसका ध्यान रखना। हिसाब चेक कर लो। तो क्या बोले पापा? उन्होंने मुझे क्या बोला इससे तुम्हें क्या? अच्छी तरह जानता हूँ क्या बोले होंगे, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोल के फायदा ही क्या है, तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। देखो, अगर तुम ये सब छोड़ दोगे ना तो मेरे ख्याल से पापा मान जाएंगे और हमारी शादी करा देंगे। मालूम है देविया, तुम्हें और मुझ में क्या फर्क है? तुम्हें किसी ने पाला है और मुझे किसी ने नहीं, इसलिए अब तक मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। पर अब सही हो या गलत, ये धंधा तो छोड़ने वाला नहीं हो, कई लोगों के घर चलते हैं इससे, इसलिए ना तुम्हें छोड़ सकता ना तुम्हारे लिए इन लोगों को छोड़ सकता हूं। क्या हुआ? परेशान करके रख दिया है, दो पुलिस वालों को हमारे सिर पे बिठा रखा है, कल से लेकर आज तक दारू की एक बोतल तक नहीं बिकी। ऐसा ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएंगे। वो हर हाल में हमें शराब बेचने से रोकना चाहता है, अगर हम शराब दूसरे स्टेट में बेचे तो। अच्छा, अपना स्टेट तो संभल नहीं रहा है, दूसरे स्टेट में जाके बेचेंगे। देवा, तू जानता भी है इसके लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी?
सब हो जाएगा। इस काम के बाद सब सेट हो जाएंगे और सेट होने के बाद गांव में बड़ा सा बंगला बनाऊंगा, वहां पर भैंसे रखूंगा और वहीं से दारू का धंधा करूंगा। वो पुराने मोड़ के पास है सर, ध्यान से वहां से निकले ना पाए। ये क्या? पुलिस लग गई, पकड़े जाएंगे। सॉरी, ट्रक को आगे जाने बोल। अरे आगे निकल, आगे निकल, चल चल आगे जा, आगे जा, चल चल जल्दी जल्दी आगे जाओ। भगा भगा, वो लोग हाथ से निकल गए सर। बाल बाल बचे, नहीं तो आज तो राम नाम सत्य हो जाता। चल अच्छा, माल तो उन लोगों के हाथ नहीं लगा। बोला था ना बहुत जल्द हिसाब करूंगा, चल तुझे आज बताता हूँ। उस ट्रक में हमारी जिंदगी भर की कमाई थी जो डूब गई क्योंकि इंस्पेक्टर ने ड्राइवर को अपना खबरी बना लिया था। सलाम सर। मतलब भी बिना पावर के नहीं चलता, तो तुझे कैसा लग गया कि तू इस धंधे में चमक जाएगा? मत पाल खून से होली खेलने का शौक, कतरा कतरा बह जाएगा, कुछ भी हासिल ना होगा। आई ना समझ? अब ज्यादा दीदे मत फाड़। Yeah. Kevin, find the right moment and kill him. Don't worry, everything is set. Your job will be done tonight. पता है यहाँ का म्यूजियम काफी फेमस है। मैं जानती हूँ, वो जगह बहुत अच्छी है। सड़क पर जब तुमने गाड़ी रोकी तब गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, जैसा बोलता हूँ वैसा।
Get out of the car. I said leave me. Come. जब तक मैं वापस आता हूँ मुझे इनकी जन्म कुंडली चाहिए पूरी। तुम्हें पता है यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ही फेमस है सच में। हाँ, रियली तब तो मैं जरूर खाऊंगी वो भी एक नहीं दो दो। जब मैं यहाँ आया था तो अक्सर यहाँ पे आया करता था। कौन से फ्लोर पे है? हाँ याद है। कभी कभी काम से ऐसा ब्रेक लेना अच्छा होता है ना। हाँ, स्पेशली फैमिली के साथ। वैसे तुम वीकेंड्स पर क्या करते हो? मैं तो सिर्फ चिल करती हूँ। एक सेकंड। फोन। देवा, किसी ने इन्हें हमारा पीछा करने और पकड़े जाने के लिए पैसे दिए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम संभल के रहना। ऑपरेशन हो गया क्या? नहीं चल रहा है। The operation is done. His condition is critical. He should be under observation for the next 24 hours. किसने किया ये? कुछ पता नहीं चला भाई।
मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है। काजल, तुम यहाँ कल से रुकी हो। देखो, दीक्षा को मैं देख लूंगा, तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। रहने दो, मैं चाहती हूँ जब ये सोके उठे तो मैं इसे इसके पास ही मिलूं। मैं ठीक हूँ। उस बारे में कुछ पता चला? क्यों मारना चाहते थे वो लोग देवा को? मुझे भी नहीं पता। देवा बहुत ही अच्छा आदमी है और दुनिया में अच्छे लोगों के हजार दुश्मन होते हैं। मैं पिछले 12 साल से देवा को जानता हूँ। इतने पास होकर भी मैं उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं जान पाया। वो हमेशा सीरियस रहता था, लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, वो अब मुस्कुराने लगा है। वो काफी बदल गया है। मैं नहीं जानता उसके दिल में क्या है, पर दीक्षा तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरे भाई की मदद की और मुझे इसका एहसास तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मेरे भाई को जो जॉब मिली है वो दीक्षा की वजह से मिली है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि देवा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। His condition is stable now. If you want, you can go and see him. दीक्षा, चलो देवा से मिलेंगे। Dad. Dad. कुछ पता चला? नहीं, मैंने उस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया जिसे टनल में पकड़ा था। इस काम के लिए इंडिया से किसी आदमी ने उन्हें पैसे दिए थे। कॉल ट्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे मुरली कहाँ थे। एक्सक्यूज मी, टाइम इज ओवर, यू हैव टू लीव राइट नाउ। चलता हूँ। कम बॉस। या जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल। Deva is out of danger. जमीन बचाने के चक्कर में खुद तो डूबोगे, साथ में हमें भी डुबाओगे। तुम्हारी 7-स्टार होटल बनने से तो रही, लेकिन उस जमीन पर तुम्हारी 7-स्टार समाधि जरूर बनेगी। एयरपोर्ट के चक्कर में जमीन तो जाएगी और साथ में तुम्हारी जान भी। मैंने कहा था वो मगरमच्छ है, उससे पंगा मत लो। ओके बहना, जीजा, बहना को पिज्जा खाना है। उसको बोल भाड़ में जाए, दोबारा फोन मत देना, निकल। हेलो जीजा बोल रहे हैं, भाड़ में जाइए आप। इस तरह क्या देख रहे हो, तुम्हें मजाक लग रहा है? उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया, पर अब नहीं बचेगा। अब जल्दी ठीक हो जाओगे। आई थिंक 3 दिन के अंदर तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। डॉक्टर मैम ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अच्छा वो तो बच गया, कहीं तुझे कुछ हो जाता तो। सारा प्लान चौपट हो गया। सर बोल। देवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। Yeah. अगर वो डिस्चार्ज हुआ तो सबसे पहले तुम मरोगे। Make sure he reaches the mortuary from the hospital. मैं जाकर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। सीधे देखो। क्या बोलते हलवादार? अरे ये क्या बोलेगा, सरकारी नौकरी है, एकदम ठाट है। आजा। टाइम वेस्ट हो गया। अरे तो क्या हुआ, बाहर निकल गए ना, फिर से हम अपना धंधा खड़ा कर लेंगे। अच्छा सब हलवा है क्या? अरे हलवा खा लेंगे, सब मिलकर मेहनत करेंगे। और तेरी कमला का क्या होगा? ए तू कमला का नाम मत ले, अगर दोस्ती की बात आए तो कमला क्या पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ऑटो रुक। पोस्ट ऑफिस जाने का कितना लेगा? 70 रुपए। 70 रुपए? अबे जेल में 6 महीने था, 6 साल नहीं, किसी और को बनाना, समझा? चल जाने दे, सीधा सीधा था। तू जब यहाँ था तो हम सबका कितना ख्याल रखता था बेटा। तेरे जेल जाने के बाद हम सब तो एकदम उदास हो गए थे, तेरा कोई हालचाल नहीं मिल रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया हो। अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अरे खाकी फिर कभी नहीं जाऊंगा। एक बात तो बतानी रह ही गई, जब तू जेल गया था ना तो कुछ पुलिस वाले यहाँ आए थे। बेटा जो नया इंस्पेक्टर आया है उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। मेरी मानो तो तुम मुरली से दूर ही रहो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। क्या है इसके अंदर? दूध है साहब। चेक कर। अबे ऐसे नहीं, ऐसे चेक कर। अरे क्या करें साहब, दूध गिरा दिया। ए देवा, क्या रे गुस्सा आ रहा है? साधु का चोला ओढ़ लेने से पुराने पाप नहीं धुल जाते। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो जरा। अगर दोबारा इस एरिया में अपना धंधा शुरू किया तो एक बार तो बच गए, दूसरी बार जान भी जा सकती है। चलो रे साहब। देवा, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था वो ड्राइवर मिल गया है। वफादारी जान से कीमती चीज है, जिसमें वफादारी नहीं उसे जीने का हक नहीं। मुझसे गलती हो गई देवा। अरे नहीं, ये गलती नहीं है, इसको बोलते नियत में खोट। इसलिए मैंने स्मगलिंग की और तू बना पुलिस का खबरी। देवा मेरी बात सुनो। जो तू बोलने वाला है उसी से फैसला होगा कि तू यहां से जिंदा जाएगा या फिर मुर्दा। इसलिए सोच समझ कर बोलना। कल रात जो मालगाड़ी आ रही है उसके चारों डिब्बों में एमएलए मुरली श्राप की पेटियां मंगा रहा है। इसे जिंदा रखो जब तक ये साबित ना हो जाए ये सच बोल रहा है। ये सच है देवा, मेरी बात। अगर चाहता है तेरा भेजा तेरी खोपड़ी में ही रहे तो जल्दी फूट इधर से। हमने जितना भी माल मंगाया था सब देवा ने कब्जे में कर लिया है। कल रात को देवा के लोगों ने हमारा माल चोरी कर लिया है। मेरे को मालूम है तुम मुरली के लिए काम करते हो और वो इसके लिए अच्छी कीमत भी देता है, पर मैं उसका डबल दूंगा। बस बदले में इतना ध्यान रखना कि
कोई भी पुलिस वाला हमें परेशान न करे, ऐसी पेटियां मिलती रहेंगी। हेलो कमिश्नर, मैं मुरली बोल रहा हूँ। अराकु से आने वाली मालगाड़ी से मेरा माल लूट लिया गया है। मैं जानता हूँ ये देवा के लोगों का काम है। शाम ढलने से पहले मुझे मेरा माल मिल जाना चाहिए। सर ये इतना आसान नहीं है, एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन जाकर सामान चोरी की रिपोर्ट लिखाइए, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये जानते हुए कि माल ना जाया जाए, कमिश्नर मुझसे रिपोर्ट लिखवाने को कह रहा है। जरूर उनकी गोद में बैठ गया है। अब बात सुन, जैसा कह रहा हूँ कर। शहर के हर पोर्ट पर मुरली ने कब्जा कर लिया था, और क्योंकि बस्ती वालों ने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए उन्हें सजा देने के लिए नौकरी से निकलवा दिया। क्या रे, अपनी गैंग को यहाँ क्यों लाया है? काम से क्यों निकाला? मेरी मर्जी, मैं रखू या ना रखू तुझे उससे क्या? जब तक रखेगा नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्या भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग ने सुना इधर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग देखने आए कि हमारे लोगों को चोट तो नहीं लगी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो जो काम पे आए थे उसको बोला, हम लोग चले जाएंगे। अरे वो नहीं आ सकते, वो सब छुट्टी पर है, बेकार में इल्जाम मत लगाओ समझे। रजिस्टर पर हाजिरी लगी हुई है, आप खुद ही देख लो। क्या नाटक है ये? अरे कुछ नहीं साहब, मैं बस अटेंडेंस लगा के पैसा जेब में रख लेता हूँ। अच्छा, देखो देवा बहुत ही शातिर आदमी है और उसे कमिश्नर का सपोर्ट भी है, बात करके अपना मामला सुलटा लो। ठीक है, कर देना गुड़ गोबर, चल। देवा अकेले में बात करनी है। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारा किया हुआ है, ये मैटर यहीं खत्म कर दो, बदले में क्या चाहिए बोलो। सबको परमानेंट नौकरी दे दो। परमानेंट? उन्होंने मेरा साथ दिया इसलिए तुमने उनकी नौकरी छीन ली, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करूं। और जो 70,000 का फटका लगेगा उसका क्या? पटका अगर सोचो कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाए तो फिर कितना बड़ा फटका लगेगा, और फ्रॉड के केस में अंदर डाल दिया तो जेल में कितने फटके लगेंगे। मैं अच्छी तरह समझ गया, तुम उन सबको बुला लो, मैं सबसे बात करके अंगूठा लगवा के भेज दूंगा। पेड़छाण बत्ती? नहीं नहीं नहीं, तुमने तो केस किया वो लापत, तो अचानक सब कैसे मिल जाएंगे। तुम पेपर मुझे दे दो, मैं साइन करवा के दे दूंगा, समझा छाण? चलता हूँ। कमिश्नर देवा को हर मुसीबत से बचा रहा है, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कमिश्नर का ट्रांसफर क्यों नहीं करवा देते? रास्ते का कांटा हट जाएगा। जमीन के बाद समंदर पर भी हमारा राज होने लगा, कमिश्नर हमारी तरफ था इसलिए हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। चलो चलो आ जाओ, माल उतारो। पूरे स्टेट में किसी को भी दारू चाहिए होगी तो वो हमारे पास आएगा। माल लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी और उसे ग्राहक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, समझ गए? धीरे धीरे हमें पैसों का असली रूप रंग सब समझ में आने लगा। लगातार लूटा जा रहा है माल, अब क्या कटोरा लेके भीख मंगवाओगे? ये सब उठा के उधर रख। नमस्ते भाई। मुरली से परेशान लोग हमसे हाथ मिलाने लगे। मेरी नीयत तो सिर्फ उनकी मदद करने की थी, पर मुरली समझने लगा कि मैं उसके खिलाफ कोई बगावत कर रहा हूँ। देवा, दिव्या के लिए कोई रिश्ता है। रिश्ता? मुझे कमला ने बताया, तुझे पता है वो कौन है? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत दिनों बाद हमारे घर में कोई मांगलिक अवसर आया है।
वैसे ये कौन से स्कूल में? अब ये स्कूल में नहीं, कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज में? कब से? अरे कब से क्या, अब तो इसे 2 साल होने वाले हैं। पिछली चारों तो अंगूठा छापती है, तो पढ़ी लिखी है, मेरी तो लॉटरी लग गई। आप यहाँ? मैं इसे अरेस्ट करने आया हूँ। पर इन्होंने किया क्या है? इसने क्या किया है? 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके 5वीं शादी करने जा रहा है। सर मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। जेल में भी टॉयलेट है, वहां कर लेना। चल अभी चल। छोड़ दीजिए ना सर, जाने दीजिए ना, दोबारा कभी शादी नहीं करूंगा। मैंने ये सब आपकी नजरों में हीरो बनने के लिए नहीं किया। एक गलत जीवन साथी पूरी जिंदगी को नर्क बना सकता है, उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढिए जो उसे जिंदगी भर खुश रखे, बाकी उसकी शादी का खर्चा मैं उठा लूंगा। आपकी तरह मेरी भी एक ही इच्छा है, उसकी खुशी, और कुछ नहीं। ए? मुझे गन चाहिए। इधर आओ, मैं देता हूं। तुम्हारे पास नहीं है क्या? अगर इसके साथ रहे तो कुआरे मर जाओगे, चलो भागो। ये क्या कर रही है? संभल के, ये खिलौना नहीं है, असली गन है। चल रहे। क्या कहा था तुमने? किसी और लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी बसा लूं, हाँ? और शादी का खर्चा तुम उठाओगे, है ना? और उसके बाद मैं जिंदगी भर उसे झेलती रहूं। अगर तुम्हें मेरे खुश रहने की इतनी ही परवाह है तो वो खुशी तुम मुझे खुद क्यों नहीं दे सकते हो? देखो दिव्या, मेरे हाथ में गन है, भूलो मत। बोलो। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। अपनी लवर की शादी किसी और से करा के तुम मान बनना चाहते हो? तो बोलो क्या करूं? शादी कर लो मुझसे। बच्चों के नाम सोच लिए? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरे, ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ नमग्रह देवाय शांति, ॐ पृथिव्यै शांति, ॐ शुभं भवतु। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्वराः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरयो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंगलसूत्र कन्या को पहना दीजिए। ॐ शुभं भवतु, कल्याणं मस्तु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, घर धन धान से भरा रहे। छोड़ो ना।
हरीश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है देवा, यहाँ पर तुम तीनों की जान को खतरा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलो चले फोन स्विच ऑफ आ रहा है, चलो। कुछ पता चला कहाँ है वो? बार बार फोन क्यों कर रहे हो? हम काम कर रहे हैं ना, फोन रखो। गधा कहीं का, बेवकूफ, उसकी तो सिर्फ जान जाएगी, मेरी तो मिनिस्ट्री और जान दोनों जाएगी। जान तो अब जाएगी, टैक्स नहीं भरा तो रेड पक्का है। 31 मार्च आने वाली, याद करा रहा हूँ। बेवकूफ कहीं का, तू मेरा सलाह नहीं होता तो बताता ये पेन कहाँ गई। वो अपने आदमियों को जरूर कॉन्टेक्ट करेगा, अपने पंटरों को अलर्ट कर दो। फोन टैप कर रहे हो ना? कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सरकार इन्हें जमीन का हक कब का दे चुकी है? कागजात के हिसाब से जमीन के मालिक यही लोग हैं, पर मुरली के गुंडों के आतंक की वजह से ये सब मजबूर हैं। अगर इनकी जमीन मुरली के कब्जे से छुड़वा दो तो ये तुम्हें बहुत दुआएं देंगे बेटा। जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही कर। आखिरी मौका दे रहा हूं, अपने धंधे बंद कर दो। क्या कर लेगा भाई तू? अपने बॉस को वो लाइन पर आ जाए, वरना उसका भी यही हाल होगा। अब तो जमीन पर भी कब्जा करने लग गए, बुलाओ इन्हें मिलने के लिए। भरभरी बुला लो। वो नहीं आएगा, बेवजह अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। कोई बहुत बड़ी तोप है ये? ये तोप नहीं, बहुत बड़ा मिसाइल है। हाँ, खौफ क्या होता है इसे बताना पड़ेगा। क्या चीज़ जानू? कोई एक निकालो। आप क्या हुआ? एक और निकालू क्या? क्या हो रहा है सर? वो मैं सोच रही थी कि लड़का होगा या लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे। नाम रखने की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी कहाँ है, सिर्फ 6 ही महीने तो बाकी है। ओए, सच में? हेलो, जब कमला और महेश मार्केट से लौट रहे थे तो मुरली के गुंडों ने उन्हें किडनैप कर लिया। कमला को तो उन लोगों ने सुबह ही छोड़ दिया, लेकिन महेश का अभी तक कोई अता पता नहीं है। देवा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कुछ नहीं होगा देवा, है ना देवा?
वो महेश को मार दिया। क्या? करो ये किसने किया? मेरे को मालूम है तेरे साथ तीन लोग थे, उनके नाम बता दे, तुझे जाने दूंगा। कभी नहीं। ए! नहीं जाने दो इसे, यहां से नहीं रहे, दुनिया से जाने दो, मार डालो। समझ में आया तेरे को किससे पंगा ले रहा है तू? गलती से भी मेरे आड़े आया ना तो अगली बार तू लटका मिलेगा। हरीश, इतने दिनों तक छुप के नहीं रह सकते, हमें शिकार पर निकलना ही पड़ेगा। जब तक शिकार पे नहीं निकलेंगे वो सामने नहीं आएगा। कुछ करो। देवा पूरी तरह से सेफ है। थैंक गॉड, मुझे कब से उसकी फिक्र हो रही थी। तुम लोग कहाँ हो इस वक्त? वो बाद में बताऊंगा। पता चला किसने अटैक किया था? नहीं, अभी पता नहीं चला। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी पता करो, मैं तुम्हें बाद में फिर से कॉल करता हूँ। हरीश, हरीश, हेलो। एक्सक्यूज मी। यस। There is some problem in my car. Can you drop me, please? Yeah, sure. Please come. I'll drop you. Thank you. One second. You're welcome. Yes, from there. तूने सूर्य को फोन किया था? हाँ, वो नहीं जानता कि हमला किसने किया था। ला अपना फोन दे। हेलो मौर्या, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी से वहां पहुंचा। ठीक है देवा। हे, लेट्स गो। ठीक है। हे, सूरी को अभी अभी उसका फोन आया था, मुझे उस फोन का एड्रेस चाहिए। लोकेशन ट्रेस करो इमीडिएटली। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ एक साथ हो जाता है। यहां मैं बाप बन गया और वहां
मंत्रालय को हमारे बढ़ते धंधे की भनक लग गई। अरे मैं तुझे ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? शराब की दुकान का टेंडर निकलने वाला है, मुरली अपने आदमी भेज रहा है, सब उसके हाथ चला जाएगा। सूरी जल्दी से जाओ और उस कलेक्टर से मिल, टेंडर हाथ से ना चला जाए। जा। ठीक है। मुरली इस धंधे में हमसे कई साल पहले आया था, इसलिए सारे दांव पेच जानता था। देखता हूँ टेंडर कैसे हाथ से जाता है। अरे छोड़ो तुम लोग, छोड़ो मुझे। आप सभी यहाँ विशाखापट्टनम के लिकर शॉप्स के टेंडर्स के लिए जमा हुए हैं, तो अपनी अपनी बोली इस बॉक्स में डाल दीजिए। यहाँ सिर्फ हम लोग बोली लगाने वाले हैं और कोई नहीं। पर ये तो अन्याय है सर। मिल गया जवाब, बैठ। ये रही बोली, पास कर। अगर किसी ने भी बोली लगाई तो काट के रख दूंगा। टेंडर भरने वाले दिन पे उन्होंने सूरी को किडनैप कर लिया, इसलिए मुझे खुद टेंडर भरने जाना पड़ा। अगर किसी ने मेरे सामने बोली लगाने की हिम्मत की तो बचेगा नहीं। अपन के घर पहुंचने से पहले सूरी नहीं आया तो मैं तेरे घर पहुंचाऊंगा। Hello, have you seen these two guys around? Yeah, I know the first guy. His car broke down. Can you come with us and show the house? No. I have work here. You'll have to come with us. We have no choice. No. Come on, come. Jacob. Leave me. Come on. Sit inside. Hurry up. Let's go. Who sent you guys? Tell me who sent you? Tell us. उन्हें केविन ने भेजा था। इसके पीछे केविन अकेला नहीं है। तूने पेट्रोल पंप पे एक सिम कार्ड से सूरी को फोन किया था और दूसरे सिम कार्ड से मैंने मौर्या को फोन किया। बिना मौर्या के फोन को टैप किया, वो लोग यहाँ सीधे नहीं आ सकते थे, इसलिए पहले वो पेट्रोल पंप गए, उन्होंने सूरी का फोन भी टैप किया। कोई है जो इन सबके ऊपर है। मुझे समझ नहीं आ रहा केविन ने इन्हें क्यों भेजा। चलो सही पूछता, आजा। हाय केविन। हेलो। हे, कहाँ चलो? दीक्षा को साथ ले जा। हाँ ठीक है देवा। हेलो, कहाँ पहुँचा? करीब है, जहाँ तुमने कहा था वहीं आ रहा है। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें फोन करता हूँ। संभल कर रहना।
400 वोट तो पिछली बस्ती से मिली। क्या हुआ सर? इस बार शायद एमएलए की सीट देवा के किसी आदमी को जाएगी। क्या? अगर ये सच हो गया तो हमें कुत्तों की तरह जीना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? इससे बचने के लिए हमें उसको मारना पड़ेगा। जल्दी से आदि को बुला लो। चलो। आने वाले इलेक्शंस में हमारी तरफ से कैंडिडेट राजा साहब होंगे। कुत्ते पालने से तुझे लगा कि तू मुझसे बड़ा नेता बन जाएगा? राजनीति में हमें बड़े पाप करने पड़ते हैं। फिकर मत कर, देवा को पहुंचा दूंगा। हेलो, बेटी को पहली बार घर ले जा रहे हैं, इसलिए रास्ते में मंदिर है, वहां भी चले। ठीक है, चलो आजा। अपना ध्यान रखना। तुम दोनों घर पे जाओ, मैं वहीं मिलता हूं। चल नहीं पाओगी, मैं आशीर्वाद दिला के आता हूँ।
ठीक है? अब मौत का नंगा नाच होगा। हमने उसके घर, गेस्ट हाउस, पार्टी ऑफिस सबकी तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। शायद उसने डर के मारे शहर छोड़ दिया। मैं कुछ नहीं जानता, वो कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालो। उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। ये लो पानी। नहीं चाहिए, मैं चलता हूं। मेरी बेटी मुझे, मैं इसे नहीं दे सकता। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी चली गई। मैं इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। दिव्या को आपने मुझे सौंपा था, पर मैं उसे बचा नहीं पाया। पर मैं वादा करता हूं, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कैसे यकीन करूं? मैं सबको छोड़ दूंगा। इस जिंदगी से, शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। किस्मत ने तो हमारी औलाद हमसे छीन ली, पर हम नहीं छीन सकते। इसका ख्याल रखना।
देवा, सूरी का फोन है। बोल सूरी। देवा, मैंने मुरली से बात की। जैसा हमें शक था, इसके पीछे उसी का हाथ है। उसी ने काजल और दीक्षा को किडनैप करवाया है। उन्हें छोड़ने के बदले वो तुम्हें चाहता है। अब बताओ क्या करना है। आ रहा हूं मैं। ये कहां लाया मुझे? मुरली ने हमें इसी जगह मिलने के लिए बुलाया है। उसने फोन किया था? हाँ। मुर्दे कब से फोन करने लगे सूरी? मुरली के लापता होने के 10 दिन बाद ही मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया था। बहुत जल्दी में लग रहा है। देवा, मेरी बात सुन। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? मेरी बात सुनता? मुझे तुझ पर कभी शक नहीं होता, पर जिस दिन तूने कहा तुझे मुरली का फोन आया, मैंने तेरी हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। मैं सॉरी बोल रहा हूं, तुम्हारा काम तब तक नहीं हो पाएगा जब तक देवा जिंदा है। उसे मारना ही एकमात्र रास्ता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह काम कैसे करना है। तुम कल जाकर मंत्री से मिलो, उसकी हालत अब अच्छी हो रही है। अगर वो जिंदा बचकर बाहर आ गया तो हम सबको मार डालेगा। संजय, मेरे फोन पर आए आखिरी कॉल को ट्रेस करो। देवा उसी लोकेशन पर है। केविन फिर से नाकाम रहा। अगर उसने कुछ बोला तो हम फिर से मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमें केविन को मारना पड़ेगा। सॉरी, वो डॉक्टर और लड़की हमारे कब्जे में है। ओके। देवा, मुरली ने अभी अभी कॉल किया था। तेरा कसूर माफी के लायक भी नहीं है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा है। Hey, हमारी तरफ से मैं चुनाव लड़ूं क्या? मजाक मत कर। कहां राजा साहब और कहां तू जुआरी? मेरा खून खोल गया था। बात सिर्फ चुनाव की नहीं थी। कलेक्टर साहब, आप यहां किस लिए? देवा से मिलने आया था, कुछ जरूरी काम है। कोई भी जरूरी काम हो आप मुझे बता सकते हैं। कहिए क्या बात है। अगर आपसे ही बात करनी होती तो मैं क्यों आता? पीए को ना भेजता? देवा भाई अंदर है। यहां किस लिए आए रमेश अंकल? ये पैसे देवा को देने थे। देवा तो अभी यहां नहीं है। मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। देवा ने तुम्हें पैसे देने से मना किया है। मुन्ना, ये 2.5 लाख हाँ। देवा को देते। ठीक है। लगता है तेरे जुए वाली बात शहर में फैल गई है। ए सूरी, क्लब जा रहा है क्या? हाँ। वहाँ पर तेरी एंट्री बैन हो गई है। क्या? तेरा सारा कर्जा देवा ने चुकता कर दिया है और क्लब वालों को बोल दिया है कि तुझे अंदर ना घुसने दे। हमने ये बिजनेस साथ में शुरू किया था, प्रॉफिट भी बराबर बांटते थे, लेकिन तुम देवा बन गए और हम बन गए तुम्हारे नौकर। मुझे नफरत होने लगी, इसलिए मैं मुरली से मिल गया। मैं तुझे वो पॉलिटिकल पावर दिलवा दूंगा तू सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तू घर जा रहा है क्या? हाँ। चल, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। प्लांट करने के 30 मिनट बाद ये फट जाएगा, याद रखना। इस बार वो बचे ना। जो बॉम्ब तुम्हारे लिए प्लांट किया था, उससे भाभी की मौत हो गई और आखिरकार मुझे अपनी सारी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल गया। तुझे तड़पता देखकर आज सारा हिसाब यहीं खत्म करते हैं। ए!
जहाँ बताया हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। मिनिस्टर भी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तू इतने सालों तक मेरे साथ रहा पर आज तक समझ नहीं पाया कि देवा कौन है। मैं यहाँ खुद आया हूँ, तू मुझे यहाँ नहीं लाया क्योंकि मैं जानता था किडनैपिंग तूने करवाई। अब सेफ है भैया। अपने धंधे का एक असूल है, वफादारी के लिए नाम और गद्दारी के लिए सजा मिलती है। अगर सब्र से वफादारी निभाता तो शायद खुद मैं इनाम में तुझे अपनी पावर दे देता। तुझे मेरी जगह और ताकत चाहिए और मुझे तेरी मौत चाहिए। गाड़ी क्यों रोकी? ठीक है। पंकज, हाँ देवानी गिफ्ट भेजा है।